जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर। चलिए स्टार्ट करते। Now, Maldives President Mohamed Muizu has acknowledged India's significant role in providing aid to the island nation. He has stated that India has implemented the greatest number of projects and has urged New Delhi to consider providing debt relief to the archipelago. So, total kitne paise dene hai doston? $400 million. $400 million mein saap sun gaya. Ab ye $400 million laaye kahan se Maldives? Ye wo desh hai jisne $5 million ke liye, sirf $5 million ke liye, इसने, यू नो व्हाट दे डिड, यू विल बी शॉक्ड, इन्होंने पूरा का पूरा एक आइलैंड दे दिया चाइना को 50 साल के लिए। मैं तो ये हो सकता है चाइनीज भी एक्टिव हो गए हो, उन्होंने भी कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिया हो टू प्रोटेक्ट द मैन। अगर चाइनीज नहीं प्रोटेक्ट कर पाते प्रेसिडेंट मौजू को, तो ये भी एक बहुत बड़ी उनकी कमजोर पोजिशन होगी। मालदीव्स को भारत को देने कोई $400 मिलियन, ठीक है, बाय द एंड ऑफ 2023 इनको भारत को देने थे, तो अभी थोड़ा ऑलरेडी लेट टाइप हो रहा है। यू नो, कहीं ना कहीं मालदीव्स की हालत थोड़ी सी ऑब्वियसली खराब होनी शुरू हो गई है। इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली है, इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली है। पार्लियामेंट के इलेक्शन आ गए उनके, और पब्लिक जो है वो गालियां दे रही है बुरी तरह से मुजू को। और तो मुजू जो है वो कल स्टेटमेंट देता है कि भारत तो हमारा जो है वो सबसे नजदीकी एलाई है, दोस्त है हमारा, ये मुजू मियां बोल रहे हैं। ये बंदा हो गया खास मुलायम, और इस बंदे की जो हरकतों में, जिसको कहते हैं ना, ये हरकत इसकी थी कांटे जैसी, मलाई बन गई। उस मुइजू ने बोला है कि भाई भारत जो है ना मालदीव्स का सबसे क्लोजेस्ट, यानी कि सबसे नजदीकी और सबसे पुराना दोस्त है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। एक्चुअली मालदीव्स ने लिए थे भारत से पैसे ढेर सारे पैसे लिए थे। अब वो पैसा वापस करने का वक्त आ गया। द मालदीव्स ओज इंडिया सम $409 मिलियन एंड माले 6 डेट रिलीफ फ्रॉम न्यू दिल्ली। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों अभी तक आप लोगों को खबर पता चली गई होगी कि मालदीव ने $450 मिलियन का लोन भारत को चुकाना था, वो भी 2023 में ही। दोस्तों 2024 आ गया है, लगभग चौथा महीना आने को है, अभी तक मालदीव ने लोन पेमेंट नहीं किया है। और दोस्तों मालदीव और मुइजू की बदतमीजी देखिए आप लोग, कि इन्होंने $5 मिलियन का ड्रोन तो खरीद लिया तुर्की से, इसके बाद इन्होंने $5 मिलियन के लिए एक अपना टापू दे दिया चाइना को 50 साल के लिए लीज पे। लेकिन भारत को जब लोन पेमेंट की बात आ रही है तो कह रहे हैं भारत सरकार प्लीज हमें माफ कर दें, हम तो बहुत क्लोज फ्रेंड है भारत के और हमारा क्लोजेस्ट एलाई रहा है भारत, हमारा लोन माफ कर दें। ऐसा होता है क्या दोस्तों? जब $5 मिलियन के लिए इन्होंने चाइना को अपना एक टापू दे दिया, तो $450 मिलियन के लिए आप अपनी कोई एसेट दीजिए, ठीक है, कोई भी अपने टापू हवाले कीजिए, कम से कम 50-60 टापू को तो भारत को खरीद ही लेना चाहिए इनसे। अगर ये लोन पेमेंट नहीं कर पा रहे, 50-60 नहीं तो एटलीस्ट 20-30 तो भारत को ही लेने चाहिए इनसे। जब इन्होंने चाइनीज को दिया तो हमें भी दे। और दोस्तों सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल लॉज भी यही कहते हैं कि अगर कोई समय पे कोई देश लोन पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो कोई ना कोई उसका एसेट जो है वो लीज पे देना पड़ता है। जैसे पाकिस्तान ने ग्वादर अपना चाइना को लीज पे दे दिया, तो मालदीव को भी चाहिए कि कोई ना कोई ये अपने 15-20 ऐसे जो टापू हैं वो खाली करें और भारत के हवाले करें, तभी इनका जो ये लोन पेमेंट है ये थोड़ा देर के लिए और होल्ड कर सकता है। Amid strained ties, the Maldives president now President Muizu seeks debt relief from India, has called India its closest ally, and he further claimed that he has not taken any action nor made any statements that may strain the relationship between the two countries. इस बंदे की जो हरकतों में, जिसको कहते ना ये हरकत इसकी थी कांटे जैसी, ये मलाई बन गई, उसके पीछे कारण मैं आपको बताता हूं। मोहम्मद मुइजू ने बोला है कि भाई भारत जो है ना मालदीव्स का सबसे क्लोजेस्ट, यानी कि सबसे नजदीकी और सबसे पुराना दोस्त है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा इसको। ये मैटर क्या हो गया मुइजू के साथ, अब मैं आपको बताता हूं मैटर क्या हो गया। एक्चुअली मालदीव्स ने लिए थे भारत से पैसे ढेर सारे पैसे लिए थे। अब वो पैसा वापस करने का वक्त आ गया। भारत भी चुप रहा, भारत ने कुछ नहीं बोला। जब ये लोग कह रहे थे कि यू नो इंडिया खराब है और मोदी खराब है और सब खराब है यार, बिल्कुल एवरीबॉडी इज वेरी बैड यार, है ना, इनकी क्या औकात है जो हमारे जैसे रिजॉर्ट्स, हमारे जैसे फाइव स्टार होटल। अब जब इंडियंस ने जाना बंद करा और भारत के जो वहां पे फौजी थे 78-85 के बीच में, वो निकल गए, यहाँ टीचर्स निकल गए, अब इनको लगा कि यार हमने ज्यादा बोल दिया। और जब तक इनको ये एहसास होता और ऑपोजिशन पार्टीज इसको जूते मारती, तब तक पता लगा कि वो पैसे देने का वक्त आ गया है। अब पैसे वापस देने हैं इनको, तकरीबन $400 मिलियन भारत को देने हैं भाई साहब, $400 मिलियन। तो टोटल कितने पैसे देने हैं दोस्तों? $400 मिलियन में
सांप सूंघ गया। अब ये 400 मिलियन डॉलर लाए कहां से मालदीव्स? ये वो देश है जिसने 5 मिलियन डॉलर के लिए, सिर्फ 5 मिलियन डॉलर के लिए, इसने यू नो व्हाट दे डिड, यू विल बी शॉक्ड, इन्होंने पूरा का पूरा एक आइलैंड दे दिया चाइना को 50 साल के लिए। मैं तो कह रहा हूं यार, अंबानी अडानी को ये बात क्यों नहीं ध्यान में आई पहले, जब इतना सस्ते में बिक रहा है मालदीव्स, ले लेते पूरा, उठा लेते, 4-5 अरब डॉलर देते, पूरा देश उठा लेते, कहानी खत्म हो जाती। जब हम मालदीव्स जाते छुट्टी में, हम कहते कि भारत का ही इलाका है, भारत का ही इलाका है, भारत का एक स्टेट है, 29th state of India, उसको बना के खत्म कर देते इतने कम पैसे में। यार 400 मिलियन होता क्या है? और ये 400 मिलियन के चक्कर में ये आदमी बाप बाप करने लगा, ये करने लगा बाप बाप। अब ये कह रहा है साहब यहां पे कि इंडिया ने कंसिडर, इंडिया शुड कंसिडर प्रोवाइडिंग डेट रिलीफ, भारत इस पे गौर करे कि डेट रिलीफ दे दे भारत, 400 मिलियन डॉलर जो इंडिया को देने हैं। और अब इसका यह कहना है कि भारत जो हमारा इतना निकट दोस्त है, भारत जो हमारा इतना करीबी भाई है, भारत जो हमारा दिल का टुकड़ा है, हमारे जिगर का टुकड़ा है, क्या वो सिर्फ 400 मिलियन डॉलर भूल नहीं सकता? क्या इतना मुश्किल है भारत के लिए? क्या भारत का इतना बड़ा दिल नहीं है कि अपने भाई मालदीव्स, अपने छोटे भाई मोहम्मद मुइजू के इतने कर्जे माफ नहीं कर सकता? मैं बता रहा हूं इसमें हुआ क्या होगा दोस्तों, मैं जो गैस कर रहा हूं, ये ना कपटी किस्म का आदमी है मुइजू, जो है ना बहुत बदमाश है। इसने पहले मांगे होंगे ये पैसे चाइना से, मैं आपको गेम बता रहा हूं इसका, इसने पैसे मांगे होंगे चाइना से, इसने चाइना को बोला होगा कि सुनो चीनी मिनी चाऊ चाऊ, तुम ये पैसा मुझे दे दो, मैं इंडिया को दे दूंगा, और हम तो तुम्हारे सगे हैं ही नहीं। चाइनीज ने बोला औकात में रहो, खैरात नहीं बट रही यहां पे, ठीक है, जकात नहीं बट रहा यहां पे, निकलो यहां से, निकलो पहली फुर्सत में निकलो। तो भैया इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली है, इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली है, पार्लियामेंट के इलेक्शन आ गए उनके, और पब्लिक जो है वो गालियां दे रही है बुरी तरह से मुजू को। तो मुजू जो है वो कल स्टेटमेंट देता है कि भारत तो हमारा जो है वो सबसे नजदीकी एलाई है, दोस्त है हमारा, ये मुजू मियां बोल रहे हैं। मुजू मियां, किसी को मोतिया ना समझो, भारत जो है वो तुम्हारे जैसे मच्छरों को मसलना बहुत अच्छी तरह से जानता है, उसने पाकिस्तान वाले जैसे वो बड़ी मक्खी को मसल दिया, तो तुम तो एक छोटे से मच्छर हो। और पाकिस्तान को कैसे मसला? भारत ने ट्रेड बंद कर दी, उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया, टोटल इग्नोर मार दिया। बाकी जो उसके दुश्मन थे या जो उसे और कुछ से कुछ परेशान थे, उन्होंने भारत से सहायता मांगी, हाँ लो भाई सहायता देने में तो हम नंबर एक है पूरे विश्व में, बहुत अच्छी सहायता देते हैं, अगर लोन भी देते हैं तो बहुत सस्ते दामों पर देते हैं। हमारा कोई उद्देश्य आपको गुलाम बनाने का नहीं है, जो चीन का उद्देश्य है कि आपके पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था को गुलाम बना लिया जाए, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य होता नहीं है। तो इसलिए लोग हमसे जनरली प्रसन्न रहते हैं, लेकिन कई बार उनको लगता है कि अच्छा मुसलमान देशों को लगता है इस्लाम सुपीरियर है, ये मुशरिकीन है, और ये हमसे जो है वो गिरे पड़े हैं, इनके ऊपर हमारे आका ने हुक्म दिया था कि इनको जो है हमें बहुत सख्ती दिखानी है, तो वो कभी कभी आ जाते हैं उसके, लेकिन बाद समझ में आता है कि भैया वो 1400 साल वाले पुराने जमाने गए, अरबों को तो समझ में आ गया, ये जो कन्वर्ट है इनको समझ में नहीं आया। मुजू वाले भी कन्वर्ट है सारे। अब मुजू जी कह रहे हैं कि 490 मिलियन हमारा जो डॉलर का जो लोन है उसमें कंसेशन कर दीजिए हुजूर। अच्छा हमारा तो भैया वैसे भी कंसेशनल लोन है, और क्या कंसेशन चाहते हो? चाइना से पहले कंसेशन करवा लो, और चाइना से कंसेशन करवा के हमें बता दो कि हमने चाइना से कंसेशन करवा लिया है, फिर हम भी कर देंगे। क्यों मुजूमिया, इस डील में तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, चाइना तुम्हारा बड़ा बेनिफैक्टर है, चाइना ही तुमको सब कुछ सपोर्ट कर रहा है, तुमको लगता है तुम्हारी जिंदगी भी चाइना बचा लेगा, चाइना जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर आएगा तुम्हारे क्राइसिस में, करो। लेकिन चाइना तो कुछ नहीं कर रहा, चाइना तो कह रहा है कि नहीं भाई हम तो कोई लोन वोन पे, देखिए हमारी पॉलिसी नहीं है कि हम आपको कोई कंसेशन वनसेशन दें, और हम तो नेगोशिएट भी नहीं कर रहे हैं, हम तो रोल ओवर भी नेगोशिएट नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ हम पाकिस्तान करते हैं और उसके बदले उसे जमीन लेते हैं, लो कर लो बात। तो मुजू मियां जो हैं वो अल तखैया कर रहे हैं इस वक्त, नाक भी रगड़ेंगे, सच में नाक रगड़ेंगे, ईमान अपने सर पर रख कर नाक रगड़ेंगे, लेकिन यहां सबको पता है कि मुजू मियां तुम्हारी हरकतें जो हैं माफी काबिल नहीं है, तुम्हारी हरकतें केवल इसी काबिल हैं हम तुम्हारा नोटिस नहीं लेते। तो दोस्तों मालदीव की सिचुएशन यही है कि इस समय इनको लोन किसी ना किसी हालत पे देना है, अगर ये नहीं देते हैं तो इंटरनेशनल लॉज यही कहते हैं कि भाई फिर कोई भी एसेट्स इनको भारत सरकार को देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये भारत सरकार से रियायत मांग रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं कि थोड़ा और समय दे दें इनको लोन चुकाने के लिए, तो ये टोटली भारत सरकार पे है कि भारत सरकार क्या करती, भारत सरकार कैपेबल है इनसे पैसे निकलवाने में भी, सब कुछ कैपेबल है, और थिंक टैंक इस पे बैठे होंगे, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और समय तो लगभग 5-6 महीने का एक्स्ट्रा ऑलरेडी हम दे चुके हैं, 2023 के इनको सितंबर में ही करना था, तो अभी ऑलरेडी आप लोग देख लो सितंबर से जोड़ लो कितना समय तो अभी भी बीत चुका है, तो इन्होंने अभी तक लोन पेमेंट नहीं किया। जैसे चाइना भी तो यही करता है, छोटे छोटे देशों को इतना कर्ज दे देता है कि वो चुका नहीं पाते, फिर उनके एसेट्स पे कब्जा कर लेता है। हालांकि भारत का कब्जा करने वाली नीति नहीं है,
तो यार समय से 6 महीने हो गए अभी तक हम कुछ नहीं बोले, तो तुम्हें भी कुछ सोचना चाहिए ना। प्यार से इनको तो चाहिए कि 10-20 टापू, जैसे इन्होंने चाइना को $5 मिलियन के लिए दे दिया, इनको भी शांति से चाहिए कि 15-20 टापू भारत के हवाले कर दे। छोटे छोटे इनके दोस्तों आइलैंड होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे, एक गांव से भी छोटे, आप ये मान के चलिए कि बहुत छोटे होते हैं, इमेजिन भी शायद मैं ना बता पाऊँ, ठीक है। आप मान लें कि 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा, या फिर 500 मीटर लंबा, 500 मीटर चौड़ा, ऐसे ऐसे इनके टापू, ठीक है। तो इनको चाहिए एटलीस्ट 20-25 टापू तो ये भारत के हवाले करें। और दोस्तों हजारों टापू है मालदीव, आखिरकार ये आइलैंड का एक समूह ही तो है, ठीक है। तो इनको चाहिए भारत के हवाले करें, नहीं तो इंटरनेशनल लॉज लगेंगे इनके ऊपर, और फिर उसके हिसाब से तो भारत जो सही रहेगा वो तो भारतीय थिंक टैंक करेंगे। लेकिन यार ये भी भारत की नीति हमेशा से रही है कि हड़प वाली नीति नहीं रही है। हम अपने पड़ोसियों पे, चाहे हमारा पड़ोसी हमें कितना भी भला बुरा कहे, लेकिन भारतीय गवर्नमेंट, अब आप समझ ही सकते हैं ऐसे सिचुएशन में चाइना क्या करता, समझ ही रहे हो आप लोग, इनके कई टापू को हथिया लेता। लेट्स सी भारतीय गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्टिंग होगा काफी। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं इस वीडियो से, मिलते हैं और अगले वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।